आप अगर कारीगर और शिल्पकार हैं, तो केंद्र सरकार की ये स्कीम आपके बड़े काम की है। इसकी मदद से आप अपने छोटे व्यापार को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको पैसे देगी। इसमें आपको नए स्किल्स, टूल्स, मार्केट सपोर्ट के साथ ही 3 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले लोग इसका लाभ ले सकते हैं। बात आपके काम की में हम आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने लाखों कामगारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर से की है। आइए जानते हैं ये योजना क्या है, स्कीम के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है और इसका लाभ किसे मिलेगा। शिल्पकारों और कारीगरों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को काम सिखाने के लिए ट्रेनिंग और आर्थिक मदद भी देगी, जिससे वो अपने काम को बढ़ा सकेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कौन लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लोहार, ताला बनाने वाले, कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार से लेकर धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई और झाड़ू बनाने लोग आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, व्यवसाय का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। बता दें कि योजना के तहत सभी प्रकार की ट्रेनिंग का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। योजना के जरिए राज्य के सभी परंपरागत मजदूरों के विकास और स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। अब इस योजना में मिलने वाले फायदों को जान लेते हैं। स्कीम के तहत 2 तरह की स्किल ट्रेनिंग होगी, बेसिक और एडवांस। ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए सरकार 15,000 रुपए भी देगी। ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट, एक्सेस जैसा सपोर्ट सरकार देगी। 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पहली किश्त में 1 लाख रुपए मिलेंगे, जिस पर 5% ब्याज होगा। कारोबार शुरू होने के बाद दूसरी किश्त में कारोबार को बढ़ाने और उसे व्यवस्थित करने के लिए 2 लाख रुपए का लोन और मिल सकेगा। खास बात यह है कि लाभार्थियों को विश्वकर्मा योजना के तहत सर्टिफिकेट, आईडी, बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग से जुड़े स्किल अपग्रेडेशन भी दी जाएगी। चलिए अब आपको आखिर में योजना के लिए अप्लाई करने का तरीका भी बता देते हैं। सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का नंबर भरें। इसके बाद नंबर पर आई ओटीपी को भी भर दें, ताकि वेरिफिकेशन हो सके। फिर नाम, पता और व्यापार से संबंधित जानकारी को भी एप्लीकेशन फॉर्म में भरें। सही सही जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।